एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स पर। एवरी एग्जाम में कोई भी वन डे एग्जाम होता है, हर कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट डेज से और थीम से, राइट। अब यहाँ पे जून मंथ काफी खास था क्योंकि अभी हमने एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल योगा डे भी हमने जून में सेलिब्रेट किया था, सिकल सेल अवेयरनेस डे भी हमने सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए हम इन सभी इंपॉर्टेंट डेज को उनकी थीम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ लेने का बड़ा आसान सा तरीका है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA247। ओके है जी, यहां से आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। इस मंथ हम मंथली कंपाइलेशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स करते हैं, वो सब डिस्कस नहीं करने वाले हैं। रीजन इज दैट क्योंकि मैं ऑलरेडी जनवरी से लेकर जून मंथ का कंपाइलेशन कर ही रही हूँ, जिसमें आपका ये मंथली कंपाइलेशन भी कवर हो ही जाएगा, इसलिए हम उसको सेपरेटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्स मंथ का मंथली कंपाइलेशन या सिक्स मंथली जो कंपाइलेशन चल रहा है, उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अभी तक अपलोड किया जा चुका है। सिक्स मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, सिक्स मंथ की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, एंड सिक्स मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो मैंने कवर कर दी है। तो आप इन वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, यहां से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स पर। ओके है, तो जब तक बच्चा एक साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे को मिल्क की जरूरत भी होती है और पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया था, जिसको 2001 से सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इस साल इसका 13th एडिशन सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। सिमिलर 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। अब 2 जून को क्या हुआ था, तो 2 जून सभी को पता ही है कि 2 जून 2014 में एक नया राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून को, और इस साल 10th नंबर का फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें, ये प्रोविजंस कहाँ पर है, तो पार्लियामेंट के पास राइट होते हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 3 कि किसी भी राज्य का फॉर्मेशन वो कर सकता है। अब तेलंगाना स्टेट का नया एंथम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है जया जया हे तेलंगाना, और इस सॉन्ग को किसने लिखा है, तो राइटर है एंडे श्री, और इसको म्यूजिक कंपोजर कौन है, आंसर हो जाएगा एकेडमिक अवार्ड विनर खीरा वनी ने इसको कंपोज किया है। ओके, चलिए अब 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल हम 5 जून को मनाते हैं, सिंस 1973 हम इस दिन को मना रहे हैं। 1972 में रेजोल्यूशन को पास किया गया था, थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट रेजिलियंस। ओके है, अब इस साल होस्ट कंट्री कौन थी, होस्ट कंट्री थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस दिन को सेलिब्रेट करता है। ओके, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट तो बना लिया, एनवायर को अच्छा रखोगे आप तो आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कल्टीवेशन ज्यादा होगा, तो फूड सेफ्टी भी रहेगी ना। तो 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो साथ साथ हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओशियन डे के अलावा वर्ल्ड ब्रेन डे भी सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को, ठीक है। ये ब्रेन का जो बी है वो ऐसा दिख रहा है ना, 8 की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, तो 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ओके, अब 9 जून वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे था, जिसकी थीम थी एक्रेडिटेशन, एम्पावर टुमारो एंड द शेपिंग द फ्यूचर। ये उतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन अब बताना है तो हम बता रहे हैं। अभी तक जो इंपॉर्टेंट डे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से नहीं आपको भूलने हैं। तेलंगाना फॉर्मेशन डे पूछा जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे पूछा जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो पूछा ही जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड ओशियन डे। अभी तक आपको बस इतने दिनों को याद रखना है, बाकी ये दोनों दिन आप स्किप भी कर सकते हो, भूल जाओ, ठीक है। बस बताने के लिए तो बताना पड़ता ही है ना। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ओके,
नेक्स्ट अगला दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, 14th ऑफ जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, जिसकी थीम थी 20 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ब्लड डोनर को थैंक यू किया गया यहाँ पे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14th ऑफ जून को मनाया गया। ओके है जी, नेक्स्ट है याद कैसे रख सकते हो कि अगर हम हीमोग्लोबिन के परसेंटेज की बात करते तो 11 से 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 14 आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, या अदर कोई ट्रिक है तो आप उसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। 15th ऑफ जून को ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम थी पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 16th ऑफ मे को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेट किया गया। अब ये दिन अगर हम इसको करेंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड करें तो आपको पता है कि 2023 में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया नंबर 1 पर था रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में, और इंडिया ने $120 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया था इन 2024 में इंडिया $124 बिलियन रेमिटेंस रिसीव करेगा, और 2025 में इंडिया $129 बिलियन रेमिटेंस रिसीव करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें वर्ल्ड बैंक से पता चलती है, उनकी रिपोर्ट से, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हमने 16th ऑफ मे को मनाया, जिसकी थीम थी डिजिटल रेमिटेंस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द कॉस्ट रिडक्शन। डन। नेक्स्ट है 19th ऑफ जून, ये इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हम ऑलरेडी कैंपेन रन कर रहे हैं किस तरीके से हम सिकल सेल एनीमिया को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं हमारी कंट्री से। सो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हमने सेलिब्रेट किया 19th ऑफ जून को, ठीक है। इतनी चीजें। अब सिकल सेल में क्या होता है, जनरली जो हमारी आरबीसी होती है वो इस तरीके से राउंड शेप की होती है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो हमारी जो आरबीसी है वो कुछ इस तरीके से सिकल के शेप की, हंसिए की शेप की हो जाती है। तो 19 में अगर 9 को ऐसा करके आप इसको ऐसा बना दो तो एक सिकल, मतलब सिकल जैसा दिखने लगेगा ये, तो ऐसे आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो। थीम क्या है, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20th ऑफ जून को मनाया, ठीक है, जिसकी थीम क्या थी, सॉलिडरिटी विथ रिफ्यूजीज। ओके, नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना सकते हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, 21st ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया था और ये आपका 10th नंबर का एडिशन था। 2014 में रेजोल्यूशन को पास किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन, एंड सिंस 2015 से हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार का जो सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था वो श्रीनगर से किया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। थीम क्या है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी आपको मिल जाएगी। और खास बात यह है कि योगा को फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे अपकमिंग एशियन गेम्स होने वाले हैं 2026 में, कहाँ पे होंगे, जापान में होंगे, उसको उसमें पहली बार योगा को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब यहाँ पे योगा तो कर लिया, योगा करने के बाद हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21st ऑफ जून को ही था, जिसकी थीम थी हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इन्हांसिंग सेफ्टी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मरीन एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट है 22nd ऑफ जून, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ओके, रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया, थीम क्या थी, एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ द आर रेन फॉरेस्ट। अगर हम रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें या एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करें, सदाबहार वनों के बारे में, तो हमारे वेस्टर्न घाट में और अंडमान निकोबार में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में अगस्त मंथ से, राइट। तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए हम याद रखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23rd ऑफ जून को मनाया गया, 23rd ऑफ जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे था, जिसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट है 24th ऑफ जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी मनाया गया, यूनाइटेड नेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी थीम थी वीमेन्स लीडरशिप इन द मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। अब 26 जून को दो इंपॉर्टेंट डे है, एब्यूज एंड टॉर्चर, ठीक है, एब्यूज एंड टॉर्चर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग, थीम थी द एविडेंस इज क्लियर इन्वेस्ट इन द प्रिवेंशन, एंड इंटरनेशनल डे इन द सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, जिसकी थीम थी टॉर्चर इज अ क्राइम एंड इट नाउ। अब इस पूरी स्लाइड में अगर जो दिन आपको नहीं भूलना है तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपको नहीं भूलना है, ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, हाँ हाँ, 27th ऑफ जून, तो 27th ऑफ जून को हमने एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया, जिसको हम उद्यमी भारत एमएसएमई डे कह रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जितन राम मांझी अभी एमएसएमई मंत्रालय को संभाल रहे हैं।
अब यहाँ पे जो थीम थी वो थी एमएसएमई एंड एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हम पूरी फुल थीम के बारे में बात करें तो लिवरेजिंग पावर एंड रेजिलियंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन द टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस, ये आपको पूरी थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 29 जून को हमने नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जो कि 18th नंबर का एडिशन था इन द मेमोरी ऑफ पीसी महानलोविस जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, पद्म अवार्डी भी हैं और हमारे देश का जो सेकेंड 5-year प्लान है वो भी महानलोविस मॉडल पे बेस्ड है। ओके, थीम थे यूज ऑफ डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये दोनों डे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। डन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमें कौन कौन से डेज बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो फर्स्ट हमें नहीं भूलना है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, 2 जून को क्या था आपका तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और हमने देखो पहले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया, फिर खाना खाया और ओशियन में नहाने चले गए, ठीक है, 8 जून को हमने देख लिया। उसके बाद हमको याद रखना है यहाँ पर 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, 16 जून हुए यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये जून है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेट किया गया, 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ठीक, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे था और 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे था। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे याद रखना है और 27 और 29 तो इंपॉर्टेंट है ही। तो एक क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें डन, इतनी चीजें ओके। सो जो भी आपका सही आंसर होगा मुझे इंतजार रहेगा आपके सही आंसर का, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।